नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है एक नई शुरुआत में। एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से, और सब्जेक्ट भी नया है। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेगमेंट पर बात किया, उसमें आपकी पकड़ को मजबूत किया और ये प्रूव किया कि जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ये कहने के लिए निःशुल्क हैं, अर्थात यहाँ पर आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी शानदार होगी। तो अब नंबर है दूसरे विषय का, जो कि है पॉलिटी का सेगमेंट। हिंदी में इसको हम राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो राज व्यवस्था और पॉलिटी का ये जो सेगमेंट है, इससे हर साल औसतन 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात प्रीलिम्स के सेगमेंट में। दूसरा, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका रोल काफी ज्यादा है, और इंटरव्यू और करंट अफेयर्स के मुद्दों पर आपकी पकड़ अच्छी हो उसके लिए भी ये पॉलिटी का सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर जाएंगे। स्टार्ट हम क्लास 6 से इस वजह से कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा जिसने इससे पहले कभी भी पॉलिटी ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आए, और इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूँ, इस चीज का मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरा दावा है कि अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, आपने पॉलिटी की क्लास की होगी, तो भी मैं इस एनसीईआरटी की क्लास में बहुत सी चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जो आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अल्टीमेट होने वाली हैं, बहुत शानदार होने वाली हैं। इसका मतलब है, इसका उद्देश्य यह है कि जो पॉलिटी की क्लास होगी इसमें हम वो परफेक्शन आपको देंगे जिसको करने के बाद आपका प्रीलिम्स भी क्रैक होगा, मेंस भी इजी होगा और स्कोरिंग होगा, और साथ ही साथ इस विषय को देखने का जो आपका नजरिया है वो भी बदलेगा। यूपीएससी सीएससी की इस तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नजरिए का, आपके ऑब्जर्वेशन का, आपके डायमेंशन का। जिस स्टूडेंट की कॉपी में ऑब्जर्वेशन, डायमेंशन, प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये चीजें झलक जाती हैं, वो अधिकारी बन जाता है। आपको अगर अपने कॉपी में मुख्य परीक्षा के आंसर में इन चीजों को डालना है, तो यहां से हमारी जो जर्नी एनसीईआरटी की स्टार्ट होने जा रही है, इसका हिस्सा बनिए। ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, 4 क्लासेस सिर्फ पॉलिटी एनसीईआरटी की, 4 क्लासेस आप मेरी करेंगे, और उसके बाद 2-3 लाख रुपए की कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे से आप सिर्फ एनसीईआरटी के आधार पर बात कीजिएगा, कहिएगा भैया एक प्लेटफॉर्म था, फ्री में पढ़ा रहा था तो हमने सोचा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बताओ इसका लेबल क्या है। फिर वो कहेगा कि लेबल ऐसा है कि जो हमारी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया, तो समझ जाना फिर से एक नई शुरुआत एक नए विषय के साथ हमने कर दी है जिसमें आपके सामने कोई नहीं टिकेगा, और ये सब होगा फ्री में। तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 6 में, जहां पर आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मुझे सूचित कर दीजिए क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच पा रही कि नहीं। और यहां पर एक जोश देखना चाहिए हम लोगों के अंदर, और ये जोश मैं डबल करने जा रहा हूं। देख लीजिए किस तरह से यहां पर जो एनसीईआरटी होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, इसका मतलब है बाइलिंगुअल होने जा रहा है ये बाइलिंगुअल होने जा रहा है, और नोट्स इतना अल्टीमेट मिलेगा, मैं नोट्स की गारंटी लेता हूं आपको, क्लासेस की भी और नोट्स की भी गारंटी लेता हूं कि 2 लाख रुपए की कोचिंग वाला नोट्स भी इसके सामने फीका पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, और इस सिर्फ 4 दिन में प्रूफ करने वाला हूं। तो मुझे आपका प्यार, हमारी टीम को आपका प्यार और सहयोग मिले, ये आपको प्रूव करना होगा।
आपको प्रूव करना होगा कि जिस तरह से हम मित्रता निभा रहे हैं, आप भी हमारे साथ मित्रता निभा रहे हैं। सेशन को इतना शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे तक, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास एटीट्यूड है, उसके पास जुनून है, उसको मेहनत करने की क्षमता रखता है, जिसके अंदर एक सपना पल रहा है कि उसको कोई फ्री में पढ़ा दे, कम पैसे में पढ़ा दे, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, वो दिल्ली नहीं जा सकता लेकिन घर पर रहकर मेहनत करके अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो उस बच्चे तक आपकी क्लास पहुंचनी चाहिए। ये बस इतना आप कर दीजिए, बाकी हम देखिए हम इस क्लास के माध्यम से आपको 4 दिन में ही कहां से कहां पहुंचाने वाले हैं। सिर्फ 4 क्लासेस में आप करके देखिएगा। अगर आपने इससे पहले पॉलिटी की किसी की भी क्लास की होगी, वह क्लास इसके आगे फीकी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये इस वजह से होगा क्योंकि मैंने आपके हिसाब से क्लास डिजाइन किया है, पूरा लेक्चर प्लान हमारी टीम ने आपका जो फीडबैक था उसके आधार पर तैयार किया, दिन रात हमने मेहनत किया है। और जब हम दिन रात मेहनत करेंगे और आपका प्यार और सहयोग मिलेगा तो हमारी इस मित्रता को कोई नहीं तोड़ सकता और हमारा रिजल्ट हमारे पास होगा, क्योंकि हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है रिजल्ट के लिए, ना कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए। हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्लास भी शानदार होगी, नोट्स भी शानदार होगा, नोट्स का PDF भी शानदार होगा, मेरी गारंटी है। चलो आज से देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने कहा था जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं उसका पैमाना होगा UPSC का पेपर। 28 को जो पेपर हुआ है और जो टॉपिक हमने ज्योग्राफी के पढ़ाए हैं वहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लो, उनको मिलाकर देख लो। फिर से एक चैलेंज देने जा रहा हूँ, चैलेंज ये है इस NCERT की क्लास को कंप्लीट करो और जब IAS का मुख्य परीक्षा का पेपर होगा फिर मैं दिखाऊंगा इसी NCERT क्लास से कि देखो इसी NCERT से हमने आपके मेंस को भी तैयार कर दिया और प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है। देख लो हर जगह हम अपने को प्रूव कर रहे हैं, अब आपका नंबर है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। इस बदलाव की मुहिम में जहां पर मैंने कहा था कि हर कुछ पैसा नहीं होता, कुछ चीजें भावनात्मक होती हैं, दिन रात हमने किस तरह से, बच्चों मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर मैं अपनी उन चीज़ों को याद करूं, मैं अपनी टीम मेंबर की मेहनत को याद करूं तो मुझे लगता है मैं रो दूंगा, लेकिन इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। हमने आपके लिए इतने सपने देख लिए हैं जितने सपने आपने अपने लिए नहीं देखे होंगे, तो उन सपनों की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। सेशन अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, हर बच्चे तक पहुँचाइएगा। तो हम लोग NCERT की इस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर किस तरह से NCERT पढ़ना है, इस सेशन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और आपको क्या क्या करना होगा वो भी मैं बता देता हूँ, जो मैं आपके लिए लेकर आया उसको देख लीजिए। देखिए हम लोग पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट इस कॉन्टेंट से वंचित ना रह जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन इसलिए ताकि कोई भी शब्द आपसे छूट ना जाए। फिर प्रश्न आएगा सर लाइन टू लाइन होगा तो नोट्स क्या मिलेगा, नोट्स जो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, कंटेंट का जो लेवल होगा वो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अल्टीमेट होने वाला है, इसका मैं भरोसा दिलाता हूं। चलो पहले हम NCERT के कुछ बेसिक्स पर बात कर लेते हैं। तो पहला, एक सेकेंड, पहला प्रश्न आपका यह होगा कि इस NCERT को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। एक सेकेंड मैं यहां पर ले आता हूं, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपका होगा कि हमने इस NCERT को, NCERT क्लास को प्रारंभ क्यों किया, आखिर हमने क्यों इसको स्टार्ट किया। दूसरा, अगर हमें NCERT स्टार्ट किए हैं तो इसे पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है इंग्लिश, अर्थात हाउ टू रीड हम इसको करेंगे, पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा कि क्या हमको नोट्स बनाने की जरूरत है, अर्थात क्या आपको नोट्स बनाना चाहिए। तीसरा, इस क्लास का नोट्स मिलेगा कि नहीं,
ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इस वजह से प्रारंभ किया है ताकि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक बेस तैयार कर सके। अच्छा आंसर वही लिखते हैं जिनके पास प्रत्येक विषय की गहरी समझ हो, उस विषय के शब्दों पर पकड़ हो, उस शब्द वो विषय के सभी डायमेंशंस को वह कवर करते हुए आंसर लिखे। तो एनसीईआरटी हमें क्या करती है, हमारा बेस मजबूत करती है, उस सब्जेक्ट से हमारा परिचय करवाती है, उस सब्जेक्ट में हमारा डायमेंशन ऐड करती है, अर्थात किसी एक चीज को कितने नजरिए से देखा जा सकता है ये सब एनसीईआरटी करती है। क्योंकि हमें जिस पेपर में शामिल होना है उसका अप्रोच भी डायनेमिक है, तो जब हम अपने आंसर को डायनेमिक तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से लिखेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। इसीलिए हमने ये प्रारंभ किया है ताकि प्रीलिम्स भी आपका क्रैक हो और मेंस भी क्रैक हो। प्रीलिम्स में बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से, जैसे अभी आपको मैंने पेपर दिखाया है ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक इसी तरह से जो है कि बेसिक लॉ के विषय में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपको एनसीईआरटी जिनसे आपका परिचय करवाता है। तो प्रीलिम्स के वह सेगमेंट जो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, मेंस का पूरा सेगमेंट जहां से आप देखेंगे, मेंस से जो मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से नहीं पूछे जाएंगे, यहां से पूछे जाएंगे। तो पूरा प्रीलिम्स मेंस आपका अच्छा हो सके, इस विषय पर आपकी रुचि हो सके, इसके लिए हमने प्रारंभ किया है। प्रश्न आएगा पढ़ना कैसे है, तो देखो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दो तरीके हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी खरीद लीजिए, नई पुरानी कोई भी खरीद लीजिए, मेरे पास यह एनसीईआरटी है। अब इस एनसीईआरटी को मैंने आपको पढ़ाने के लिए, आप देखो मैंने इस एनसीईआरटी को एक बार नहीं आज से पहले कम से कम 40 बार पढ़ा है। आज से पहले हमने इस एनसीईआरटी को कम से कम 40 बार पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पढ़ना हो तो एक तरीका यह है कि आप मेरे साथ एनसीईआरटी लेकर बैठिए, मैं जो लाइनों पर जोर दूंगा, जिन शब्दों पर जोर दूंगा, आप उसको पढ़िए। क्योंकि एनसीईआरटी के जो उदाहरण है आगे अभी मैं बताऊंगा कि देखो इस यहां पर यह इमेज बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहां पर दो कैरेक्टर बने हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इनके बातचीत से यह संदर्भ निकलता है, यह डायमेंशन निकलता है। तो अच्छा होगा कि आप सब लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए लीजिए ताकि आप यह देख पाएं कि गुरुजी ने कोई एक शब्द छोड़ तो नहीं दिया। हम एक भी शब्द नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस एनसीईआरटी को हमने एक दो बार नहीं, कई बार पढ़ा है और हमने मेन कोर्स भी कई बार पढ़ाया। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम हर पॉइंट्स पर गहराई से बात करें और वो हम करेंगे। तो आपके पास पढ़ने के दो विकल्प, आप मेरे साथ क्लास में शामिल हो सकते हैं, जो मैं बोलूं बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको उसको सुनिए, आप उसको नोट कीजिए, इतना सफिशिएंट है। और अगर आप चाहें तो अपने पास आप किताब रखकर पढ़िए। अब आपको बस इतना करना है, आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स हम बना रहे हैं, हम आपको देंगे, और नोट्स जो हम देंगे उसकी क्वालिटी यह होगी कि उसमें एनसीईआरटी की चीजें भी होंगी और प्लस बहुत कुछ एडवांस का होगा। क्यों एडवांस का होगा, ताकि जब हम 6 से लेकर 12 तक की जर्नी करें तो लक्ष्मीकांत अपने आप में कंप्लीट हो चुका हो। मैंने क्या बोला, जब हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करें तो उसी में लक्ष्मीकांत भी हमारा जो है कि फिनिश हो चुका हो। और ऐसे में क्या होगा, फिर हम एनसीईआरटी के बाद जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो सब लोग पढ़ते हैं 100 घंटे में, 80 घंटे में, हम लोग पढ़ लेंगे 40 घंटे में। और लेबल ये होगा कि जिन लोगों ने लक्ष्मीकांत को 100 घंटे में पढ़ा होगा हम उन पर भारी पड़ेंगे, आप भारी पड़ेंगे, आपका कंटेंट भारी पड़ेगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, तो आई होप इस क्लास को क्यों स्टार्ट किया गया है इससे आप परिचित हो गए होंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हम आ जाते हैं। अब हम ये जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की, इसका टाइटल है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, सोशल साइंस की किताब में आती है, मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी में भी हमने लगा रखा है, थोड़ा सा कम साफ होगा इसलिए हिंदी की किताब ही देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड अगली शायद क्लास में हमें देखने को मिलेगा, चलो देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। अब
हम इस एनसीईआरटी को अगर खोलेंगे तो सबसे पहले इसका इंडेक्स हमें देखना होगा और इसके इंडेक्स से मैं आपको परिचय करवाता हूँ। जब हम इसके इंडेक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर हमें चैप्टर्स मिलते हैं जिन चैप्टर्स के माध्यम से यह एनसीईआरटी अपनी बात को प्रारंभ करती है। अब देखिए यहाँ पर आपसे मेरा एक निवेदन है और वह निवेदन यह है कि यह एनसीईआरटी यह जो एनसीईआरटी है वह क्लास सिक्स के बच्चों के लिए लिखी गई है। अब क्लास सिक्स के स्टूडेंट के लिए लिखी गई एनसीईआरटी में क्या लेबल होगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेबल दिया गया है वह बहुत छोटा है, लेकिन 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 आपको इस क्लास में इस उद्देश्य से आना है कि हम क्लास सिक्स के एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वह कौन सा होगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम वाला। अर्थात हमें इस एनसीईआरटी को आईएएस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जब हम क्लास सिक्स के एनसीईआरटी हम जब स्टार्ट करें तो ये मत आप दिमाग में रख लीजिएगा कि क्लास सिक्स के बच्चों के हिसाब से सोचना है। नहीं, आप बड़े हो चुके हैं। ये एनसीईआरटी हम बस इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक सही से नहीं पढ़ा। जब अब मैं आपको सही से पढ़ाने के लिए आ गया हूं तो आपको क्लास सिक्स के अप्रोच को छोड़ देना चाहिए। अर्थात क्लास सिक्स में ऐसा क्या क्या है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें उन चीजों का निचोड़ निकालना है, क्रक्स निकालना है। तो यहां पर हमारा जो अप्रोच होगा, लाइन टू लाइन मैं एनसीईआरटी पढ़कर बताऊंगा और उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहला हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने रख रखा है, इसको देखिए। पहला है हमारा विविधता की समझ। अर्थात यह चूंकि पॉलिटी की क्लास है और पॉलिटी की एनसीईआरटी है जिसको सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस में रखा जाता है। तो सोशल साइंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे समाज की बात होती है। तो हमारे समाज में किस प्रकार की विविधता है और यह जो विविधता है कहां पर भेदभाव के रूप में नजर आती है, अर्थात विविधता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को हम देखेंगे, विविधता को समझने का प्रयास करेंगे, विविधता के प्रकार को समझेंगे, विविधता की परिभाषा देखेंगे, विविधता समाज में किस तरह की चीजों को जन्म देती है इसको समझेंगे। अर्थात ये जो चैप्टर है, अगर आपको यूपीएससी सीएससी का सिलेबस याद है तो पूरा यही चीज आपके सिलेबस में लिखी हुई है। अब देखो क्लास सिक्स का हमने पहले और सेकंड चैप्टर को लिया जो यूनिट फर्स्ट में आते हैं और ये पूरा दोनों ही शब्द आपके सिलेबस में मेंशन है। इसका मतलब है कि जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी में इन दो चैप्टर्स के विषय में जितनी चीज़ें बताई गई हैं हमें वह तो लेनी ही लेनी है, प्लस हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं जो मुख्य परीक्षा में हमारे काम आए। तो नोट्स आपको नहीं बनाना, सिर्फ क्लास में आपको अच्छे से बैठना है। क्लास में बने रहोगे तभी नोट्स समझ में आएगा। कुछ लोग कहेंगे सर हम नोट्स पढ़ लेंगे, तो नोट्स के माध्यम से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो और किसी दूसरे के नोट्स के माध्यम से तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ और ट्राई कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि जो चीज मैं डिस्कस करूंगा उसी के आधार पर हम कुछ नोट्स देंगे, दोनों चीजों को कोरिलेट करेंगे तो आपसे बेहतर किसी की समझ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपनी समाज को समझेंगे, उसकी विविधता को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस विविधता को एनसीईआरटी कितने मार्मिक तरीके से आपके सामने रखती है। मार्मिक तरीका का मतलब यह है इतने सेंसिटिव तरीके से आपके सामने यह एनसीईआरटी इन चीजों को रखती है कि अगर आप देखेंगे तो आपको रोंगटे खड़े होने वाले हैं। यह जिस तरह से मैं एनसीईआरटी आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं कि कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा वो भी आपसे जब बात करेगा तो उसने वो कहेगा कि हमने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ है, जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ है, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ है, जिनकी स्कूलिंग, जिसका कॉलेज बहुत अच्छे से हुआ है, जिनको सोचना समझना सिखाया गया है। तो मैं आपको इसी क्लास से वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सबसे पहले
हम विविधता के विषय में बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये जो समाज है इसमें सरकार क्या होती है और सरकार में भी लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। आप देख सकते हो यह आपकी नींव तैयार कर रहा है, आपको आगे चलकर पता चलेगा संविधान क्या होता है। जैसे जैसे एनसीईआरटी आगे बढ़ेगी मैं उसी क्रम में बताऊंगा, अर्थात मैं कोई चीज आपको पहले नहीं बताऊंगा कि देखो मैं पहले बता देता हूं एनसीईआरटी में लिखा, नहीं, एनसीईआरटी जैसे जैसे चीजों को आगे बढ़ाएगी मैं एक एक चीज को गहराई के साथ, उस गहराई के साथ जिस गहराई की उम्मीद बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में की जाती है, बड़े बड़े जो है कि प्रोफेसर से की जाती है, वह गहराई मैं आपको देने वाला हूं। तो हम दूसरे यूनिट में सरकार के विषय में बात करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के तत्वों को देखेंगे और हम अपने संविधान पर यहां पर एक्स्ट्रा में बात करेंगे। अर्थात जब मैं इन दो चैप्टर्स में एनसीईआरटी को बताऊंगा फिर उसके बाद मैं अपने और अपनी टीम के इनपुट्स को दूंगा तो आप देखिएगा यहां पर चीजें बदलेंगे। उसके बाद हम यूनिट थर्ड पर आ जाएंगे जहां पर हम पंचायती राज के विषय में बात करेंगे, देखेंगे पंचायती राज क्या है, यह कैसे हमारे संविधान में आया, कैसे जुड़ा, किस तरह से काम कर रहा है और यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज पर बात करते हुए हम गांव के प्रशासन पर भी बात करेंगे और जैसे पंचायती राज सिस्टम है ऐसे ही आपको पता है कि जो हमारा नगर पालिका का सिस्टम है इसी में आगे चलकर मैं बहुत से संविधान संशोधन के साथ साथ बहुत सी चीजों का जिक्र करूंगा। लेकिन चूंकि मेरा प्रयास यह है कि मैं एनसीईआरटी के साथ जस्टिस करूं, अर्थात जैसे जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चे को 12 तक समझाने का प्रयास कर रही है इसी तरह से मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाऊं तो कोई चीज की भी मैं बमबारी नहीं करूंगा। अर्थात मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात तब तक नहीं करूंगा जब तक उसकी डिमांड ना हो। मेरा उद्देश्य यहां पर अपनी विद्वता दिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपकी नींव मजबूत करना, आपको इस लायक बना देना कि जिसको पढ़ने के बाद आप कहो कि गुरुजी यह जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन इतने भी आसान होते हैं क्या, तो जो क्वेश्चन आज आपको डराते हैं कल वो आपके सबसे प्यारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ज्योग्राफी में हमने आपको आगे बढ़ाया है। अगला जो होगा वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका, अर्थात यहां पर पॉलिटी क्या करता है, सोशियो इकोनॉमी की बात करता है। सोशियो इकोनॉमी का मतलब ये है कि जब हम समाज को देखेंगे तो उस समाज में आजीविका और अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस पर हम बात करेंगे। तो यह जो हमारा 4 यूनिट का एनसीईआरटी है इसको हमने हिंदी और इंग्लिश में रखा है। चले अब जितने लोगों के पास एनसीईआरटी है वो निकाल लें और जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, मैं पूरा एक एक पेज आपको दिखाकर आगे बढ़ाऊंगा। तो अब आ जाते हैं पहले पेज पर, देखो हमने इसका सोर्स डाल दिया है एनसीईआरटी। तो जिन लोगों के पास लगता है, एक सेकंड दीजिए, जिन लोगों को लगता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है हम एनसीईआरटी नहीं खरीद सकते, तो आप क्या कीजिएगा गूगल पर जाइएगा और एनसीईआरटी क्लास 6 डालिएगा, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें डालना हो, आपको कई लिंक मिल जाएंगे और वहां से आप एनसीईआरटी को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि मैं पक्ष में होता हूं अगर आप डाउनलोड करते हो तो प्रिंट करवा लो या अच्छा होगा आप किताब ही खरीद लीजिए। चले हमने इस एनसीईआरटी के पेज को क्यों लिया है, ताकि हम आपको स्टार्टिंग से बढ़ा सकें। अब देखिए एक ही पेज एक तरफ हिंदी में है वही इस चैप्टर इंग्लिश में है। अब यहां पर मैं आपको जो पढ़कर सुनाना चाहता हूं उसको समझिए, इस एनसीईआरटी की खूबसूरती को समझिए और मैं क्यों आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यह जो चैप्टर स्टार्ट होता है पहला चैप्टर पहला यूनिट, ठीक है, इसमें एक आपके सामने जो पहला पेज आएगा वो इस रूप में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं यही पहला पेज है कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। जितने लोग पास एनसीईआरटी है प्लीज आप सब लोग खोल लीजिए क्योंकि एक एक शब्द इस किताब के इंपॉर्टेंट। देखो ये हुआ, अब इस पहले चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो मैं कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि विषय को कैसे इंटरलिंक करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। एनसीईआरटी छोटी मोटी चीज नहीं है, इतनी बड़ी चीज है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे कल्पना नहीं कर सकते मैं आपको बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी ने देखिए यहां पर क्या किया, इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 ये कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं
किसी बात को पहुंचाने के। देखिए क्या करता है एनसीईआरटी, आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। आपकी उम्र का मतलब क्या है, यहां पर एनसीईआरटी यह कह रहा है कि आप क्लास सिक्स के स्टूडेंट हैं, और उनसे कहा गया, बच्चों से कहा गया कि आप क्या किए, कुछ अपना फोटो बनाइए या अपने दोस्त का फोटो बनाइए। तीन बच्चों ने ऐसे चित्र बनाए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए। तो यहां पर लिखा है आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। अब आपसे कहा जा रहा है जो खाली बक्सा है आप भी इसमें चित्र बनाइए। अब देखिए एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है, अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र, अर्थात जो आपने यहां पर चित्र बनाया, क्या आपका चित्र तीनों चित्रों से के जैसा है, क्या उनके जैसा है? तो आप कहेंगे कि नहीं, आपका जो चित्र है वह क्या होगा, इन तीनों से भिन्न होगा, क्योंकि इन तीनों ने अपने अपने क्षमता के अनुसार अब जो है कि इमेज बनाया। अब इसका मतलब देखिए, एनसीईआरटी की खूबसूरती देखिए, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो इमेज होगा वह तीनों चित्रों से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है, और थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता भी हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह हमारे चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अब देखो ये जो इसने चित्र के माध्यम से आपको टॉपिक से जोड़ दिया, टॉपिक हमारा क्या था, विविधता की समझ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग नहीं बताया विविधता का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग दिखे। मैं आपसे अलग दिखता हूं, आपके दोस्त आपसे अलग दिखते हैं, आपके पड़ोसी आपसे अलग दिखते हैं, सबका रंग अलग है, साइज अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है, आपका मेंटल लेवल अलग है, उनके शौक अलग है, आपके शौक अलग है, आपकी फूड हैबिट अलग है, उनकी फूड हैबिट अलग है, उनका जो विचार है वह अलग है, आप अलग हैं। ठीक इसी तरह से तो एनसीईआरटी ने क्लास सिक्स के बच्चे के माध्यम से क्या प्रूव किया, यह प्रूव किया कि जिस तरह से आप चित्र बना रहे हो, तो चित्र आप कैसे बनाओगे, अपने दिमाग से बनाओगे। आपके दिमाग में जिस चीज की कैसी, जैसे मैं आपसे कहूं कि भगवान कृष्ण की जो है कि चित्र बनाइए, या किसी भी भगवान की बनाइए, या मैं आपसे कहूं कि हिमालय पर्वत का बनाइए। अब हिमालय पर्वत को सबने अपने अपने नजरिए से, किसी कोई क्या करेगा, उसमें सूर्य को उगाएगा, कोई उसमें ग्लेशियर दिखाएगा, कोई उसमें नदी दिखाएगा, सबका और सबका क्या होगा, हिमालय अलग अलग होगा। हिमालय एक ही है, देखने का नजरिया अलग है। तो एनसीईआरटी इस चित्र, इस क्रिएटिव तरीके से कहता है कि देखो जैसा आपने इमेज बनाया, इमेज अर्थात चित्रकारी की, चित्रकारी दिमाग से निकलती है, हाथ से निकलती है, तो जो आपके दिमाग और हाथ में होगा वह आप दूसरे व्यक्ति के दिमाग और हाथ से अलग है। इसीलिए क्या है, विविधता है, अर्थात हम विविध, हमें हमने इमेज बनाया तो हम अलग हैं, इस इमेज को बनाने वाले अलग हैं, इसको बनाने वाले अलग हैं, इसको अलग है। ठीक है, ये चीज, यही चीज यहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है, देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा, अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। फिर से एनसीईआरटी आपको मजबूर करता है सोचने पे, फिर से एनसीईआरटी आपको सोचने पर मजबूर करता है और कहता है कि आप चारों नजर दौड़ाइए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसे लाइन लाइन पढ़ाओगे क्या, अरे बस एक ही पेज है, फिर यहां से हमारा इनपुट चालू होगा, हमारा इनपुट यहां से चालू होगा, अभी रुको, अभी रुको। अब एनसीईआरटी कहता है अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखता हो या दिखती हो, देखिए एक बार। तो आप इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे के से कई मामलों में भिन्न हैं, अर्थात उनका धर्म अलग है, उनका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, भाषा अलग है, त्योहार अलग है, और इस सब चीजें ध्यान देना है एनसीईआरटी जो कहना जा रहा है, सब देखो पॉजिटिव अप्रोच कैसे आता है, ये सब आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ये भिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह के रोचक और समृद्ध बनाती। अर्थात देखो एनसीईआरटी ने इस विविधता को क्या किया है, पॉजिटिव डायमेंशन में दिखाया है। वो कह रहा है कि हमारे चारों बहुत से लोग हैं, सबकी भाषा बोली रहन सहन अलग है, लेकिन यही चीज तो हमें क्या करती है, समृद्ध बनाती है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाओ और वहां पर सिर्फ लड्डू मिले या सिर्फ जलेबी मिले तो आप कहोगे अरे भैया कितना खाएं, और मिठाई की दुकान में आप जब जाते हो तो आपको क्या मिलता है, अलग अलग मिठाइयां, दिल खुश हो जाता है। आप किसी बगीचे में जाओ, आप अमृत उद्यान में जाओ, जिसको मुगल गार्डन पहले बोला जाता था, वहां पर जाओगे अरे फूलों की ढेर सारी वैरायटी,
फूलों की घाटी उत्तराखंड जाओ, लोग क्यों जाते हैं फूलों की घाटी में फूल देखने, एक घाटी में सैकड़ों प्रकार के फूल, दिल क्या हो जाता है खुश। ठीक उसी तरह से हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज है, इस समाज में जो विविधता है, यही विविधता हमारी पहचान है, यही इसकी मजबूती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह जो विविधताएं हैं, यह जो भिन्नताएं हैं, यही हमें रोचक और समृद्ध बनाती हैं, यही है पॉजिटिव अप्रोच। अगर एनसीईआरटी ने, ध्यान देना, एनसीईआरटी ने इस लाइन को नहीं लिखा होता, हो सकता है आपके अंदर निगेटिव थॉट आ जाता कि भाई ये भिन्नता हमारे पिछड़ेपन का कारण हो सकती है, यह भिन्नता हमको पीछे रखने का कारण हो सकती है। नहीं, यह एनसीईआरटी कहता है, क्योंकि एनसीईआरटी को जो आगे आपको बताने वो कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इस विविधता को पॉजिटिव वे में देखता है। इसका मतलब है एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों से पहले धीरे धीरे कह रहा है सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपको भी पॉजिटिव सोचना होगा। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये क्या करती हैं, हमारे समाज को समृद्ध बनाते हैं। आगे, इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता ही का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं, अर्थात यहां से यह एनसीईआरटी क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब देखो एनसीईआरटी ने, सॉरी एक सेकंड, माफी चाहता हूं, एनसीईआरटी ने इस भिन्नता को समझाने के लिए क्या किया, इस इमेज का सहारा लिया, इस छोटे से पैराग्राफ का सहारा लिया, और यहां पर एनसीईआरटी ने अपना पॉजिटिव अप्रोच दिखा दिया। और पॉजिटिव अप्रोच इस रूप में दिखाया कि आपको क्या करना है, इसी तरह से पॉजिटिव सोचना है। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या हम लोग इसको समझ पाए, क्या यहां तक हम समझ पाए। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूं, कोई स्टूडेंट लिख रहा है सर बहुत मजा आ रहा है, एक सेकंड दो पानी पी लूं, थोड़ा सा ग्लास सूख गया, थोड़ा सा पानी पी लूं, बस कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, पानी पी लूं, एक सेकंड। सेशन को बच्चों शेयर करते रहना, मैं सही बता रहा हूं, एनसीईआरटी बहुत से लोगों ने पढ़ाया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, लेकिन इस क्लास का कोई विकल्प नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, बहुत मेहनत किया हमारी टीम ने। तो देखो हमारा ये जो पहला पेज था इसको हमने कंप्लीट किया, इसको हमने क्या किया कंप्लीट। सर नोट्स कैसे मिलेगा, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यहां पर दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहीं पर ध्यान देना जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा तब पीडीएफ डाला जाएगा, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि आज हमने दो पेज पढ़ाया तीन पेज पढ़ाया उसका पीडीएफ, नहीं, एक चैप्टर कंप्लीट होगा पीडीएफ डाल दिया जाएगा। आगे बढ़िए, हमने आपको क्या कहा, ये हमारा पहला चैप्टर, सॉरी पहला पेज हमने कंप्लीट किया। अब देखो इसके आगे मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा, इसके पीछे का कारण है कॉपीराइट, क्योंकि एनसीईआरटी हमने ये पेज लिया उसमें हमने सोर्स एनसीईआरटी को बताया है, तो एनसीईआरटी चूंकि लिखी गई किताब है उस पर कॉपीराइट किसी और का होता है। मैं लाइन टू लाइन दिखाऊंगा, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए, तो कॉपीराइट आने का मतलब है वीडियो हटानी पड़ जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो, अब अगला जो पेज है, एक पेज मतलब हमने ये पेज पढ़ा, देखो एक पेज पढ़ा हमने और इसको पलटा पीछे, अब यहां पर एक एनसीईआरटी आपसे एक टास्क देता है, एनसीईआरटी जो टास्क देता है उस टास्क को आपको करना है, ये टास्क बहुत जरूरी है, मैं बता तो रहा हूं, आप एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको अरे ये ऐसे पढ़ते हैं क्या। देखो एनसीईआरटी ने टास्क दिया है, और टास्क क्या है, जिसके पास एनसीईआरटी सब लोग का, इसमें है कि अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए, अर्थात वह फिर से आपको एनसीईआरटी सोचने पर मजबूर करना चाहता है, क्या जानकारी मांग रहा है, बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूं। अब आप देखो, आप में जितनी भी बच्चियां होंगे सबका आंसर अलग अलग होगा कि बाहर जाते समय आप क्या पहनना पसंद करती हैं। दूसरा, मैं घर में डैश है ना, मैं बात करती हूं मम्मी से पापा से, किससे आप बात करते हैं, किस दोस्त से बात करते हैं, वो आपको ब्लिंक करना, देखो ऐसा टास्क है, ये देखो एक सेकंड, देखो देख रहे हो आप, और देखो यहां पर मैंने स्टार बना रखा है, आप सब लोग देखिए यहां पर मैंने स्टार बना रखा है,
मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज देख लिया आप लोगों ने। तो दूसरा प्रश्न एनसीईआरटी आपसे कहता पूछता है कि मैं घर में बात करती हूं, सब लोगों का आंसर अलग होगा, कोई मम्मी से बात करना चाहता होगा, कोई पापा से, कोई दोस्त से, कोई दीदी से, कोई नानी, कोई दादी, सबका आंसर अलग होगा। फिर से ये विविधता को, एनसीईआरटी विविधता पर आपका विचार विकसित करने का प्रयास कर रहा है। अगला समझिए, मेरा पसंदीदा खेल है, अब एक्स वाई जेड जो भी बच्चियां हैं सबका खेल अलग अलग होगा, है ना, किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को गुड़िया का खेल, हालांकि अब तो नहीं होगा गुड़िया का खेल, कुछ कुछ खेल आपको पसंद होगा। मुझे डैश 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 के बारे में किताबें पढ़ने पसंद है, तो किसी को एपीजे अब्दुल कलाम के संदर्भ में, किसी को इतिहास की किताबें, किसी को किसी जीवनी की किताबें, किसी को उपन्यास, किसी को कहानी, इस तरह की चीजें आपको पढ़ना पसंद हो सकता है। अब देखो क्या है, अब फिर से अगला पैराग्राफ, जब आपसे एनसीईआरटी ने टास्क करवा लिया तो अब देखो क्या लिखा है आगे, अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए। देखो दिखाता इसलिए चल रहा हूं कि एक शब्द मिस नहीं करूंगा और इसमें छुपे हुए भाव को बताऊंगा। देखो क्या लिखा है, अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं, एक जैसे जवाब सभी प्रश्नों के नहीं मिले होंगे। यही क्या है, एनसीईआरटी कहता है यही विविधता है। क्यों विविधता है, सभी क्लास के ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया। देखो यहां पर विविधता समझो, यही एनसीईआरटी की खूबसूरती है। एनसीईआरटी ने क्या कहा आप सबसे, क्या कहा, आप सब स्टूडेंट हैं और सब लोग एक ही क्लास में हैं, क्लास सिक्स के ही स्टूडेंट हैं और सेक्शन भी एक ही है, ए बी सी डी कुछ नहीं है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और सबसे कहा कि भाई आप बाहर जाते समय क्या पहनना पसंद करते हैं, आप किससे बात करना पसंद करते हैं, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, किस तरह से समय स्पेंड करते हैं, सबके आंसर अलग अलग। इसका मतलब क्या है, हम एक साथ रहकर भी, यहां से क्या निष्कर्ष निकला, हम एक साथ रहकर भी क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं अर्थात भिन्न हैं, कुछ कुछ भिन्नता हम सब में है और यही भिन्नता क्या करती है, हम सब में है, सब लोग एक समाज के भाग हैं और यही भिन्नता हमारी विविधता है। विविधता का मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार का होना। जैसे आप आम लो, आप क्या करो, सब्जी मंडी में जाओ, और सब्जी मंडी में जाओ कहीं पर दशहरी आम रखा है, कहीं पर लंगड़ा आम रखा है, कहीं पर कोई आम रखा है, एक ही आम का एक ही दुकान पर कई तरह के आम, इसका मतलब क्या है, आम में डाइवर्सिटी है। एक ही क्लास में गए, सबका खान पीन अलग है ना, सबका जो है कि पसंद अलग, सबकी सोच अलग, इसका मतलब क्या है, एक ही क्लास के सभी लोगों में विविधता है। और यह विविधता, ध्यान देना, यह विविधता पॉजिटिव क्यों है, ये सकारात्मक क्यों है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे की विविधता को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। कैसे इंजॉय करते हैं, एनसीईआरटी के माध्यम से समझो कि भैया आप जब बचपन में हम सब लोग रहे होंगे तो हम क्या करते होंगे, भैया आपके घर से क्या है, क्या लाए हो टिफिन में, आप क्या लाए हो टिफिन में, हमने उसका एक टुकड़ा लिया, उसने हमारा एक टुकड़ा लिया, हम लोग ऐसे भोजन करते रहे होंगे। क्या हमने पूछा कि भैया आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, क्योंकि हम बचपन से इन सब चीजों से क्या थे, ऊपर उठे हुए थे। हमें तो ये था कि प्यार बांटना है, और प्यार कैसे होता है, हमने इस विविधता को क्या किया, आत्मसात किया, हमने एक्सेप्ट किया। जैसे हम लोग एक परिवार, इसी चीज को एक क्लास को समझो, एक क्लास में सब लोग हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के घरों पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जबकि सोच अलग है, है ना, किसी चीज को देखने का नजरिया अलग है, तो हम कह देते हैं कि भैया आपके हिसाब से ये ठीक, हमारे हिसाब से ये ठीक। अर्थात एनसीईआरटी यहां पर ये बताता है कि हमें विविधता को पॉजिटिव वे में सोचना। एनसीईआरटी क्या कहता है, देखियो जो पैराग्राफ है वो दिखा रहा हूं, पहले पैराग्राफ देख लो ताकि आपको ये ना लगे कि हम आगे बढ़ गए। देखो देखो क्या लिखा है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं, कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है,
तो उत्तर क्या लिखा है? शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? कितने कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं? और देखो आगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, कई मामलों में आप साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे भिन्न हैं, लेकिन सब लोग साथ में हैं। यही भारत है, यही हमारा देश है, यही विविधता मूलक समाज है जिसका निर्माण हमारे संविधान ने किया। अर्थात देखो, विविधता को एनसीईआरटी ने बच्चों के क्रिएटिव वर्क के माध्यम से बच्चों से कहा कि चित्र बनाओ, तो सब पता चला कि सब चित्र अलग बनाते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहा देखो चित्र अलग अलग क्यों बना रहे हो, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी प्रैक्टिस अलग अलग है, तो यही विविधता है। बच्चे समझ गए, गुरुजी बात थी, क्लास सिक्स के बच्चे हैं ना, क्लास सिक्स के बच्चे हैं। फिर एनसीईआरटी ने कहा कि अच्छा बताओ, एक हमारा क्या करो, हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। मैंने वो प्रश्न आपको दिखाया और उसमें पूछा क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किससे बात करते हो, इसका आंसर सबसे अलग। एनसीईआरटी ने कहा कि देखो आप सब क्या हो, अलग अलग हो, सब लोग विविध हो। अर्थात देखने सुनने में हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम में क्या है, विविधता। अब उसके बाद एक और एक कहानी, और ये जो कहानी है अल्टीमेट है। देखो दोस्ती करना, दोस्ती करना, और इसके माध्यम से देखा है दोस्ती करना, अंडरलाइन कर रखा है, एक इमेज देखिए, देखिए दोस्ती करना है। अगर मैं यह लाइन अब बताने जा रहा हूं, बच्चों सही बता रहा हूं, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतनी दर्दनाक स्टोरी है ये, इतनी अल्टीमेट तरीके से एनसीईआरटी ने जो लिखा है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी एक स्टोरी बताता है, उस एनसीईआरटी स्टोरी को मैं यहां पर ब्रीफ करता हूं, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो स्टोरी को बताने के लिए मुझे कुछ चीजें लिखना होगा, मैं लिखूं ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। बच्चे वीडियो क्लियर है, प्लीज आप अपने वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ाओ, थोड़ा सा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ाओ, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ाओ, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ाओ, यहां पर आओ, ठीक। तो एनसीईआरटी क्या करता है, यहां पर कहता है कि दोस्ती करना एक पैराग्राफ है, अर्थात कैसे फ्रेंडशिप की जाती है, इसकी एक स्टोरी एनसीईआरटी बताता है, और इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता है। अरे बच्चों माफी चाहता हूं, माफी, क्या हो रहा है ये। चल दोस्ती करना, ठीक। अब मैं इस स्टोरी को संक्षेप में आपको समझाता हूं, स्टोरी को सुनिए, चीजों को आप समझिएगा। यहां पर एक लड़का है, एक लड़का है, लड़का जी जो क्या है, जिसकी उम्र होगी 7 से 8 साल, एक लड़का है जिसकी उम्र है 7 से 8 साल। इस यस कहानी के माध्यम से जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना मार्मिक है, समझो। एक 7 से 8 साल का लड़का है, यह क्या करता है, यह पेपर बेचता है। पेपर कौन सा बेचता है, हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश का, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का क्या करता है, पेपर बेचता है। अब ये कहां पर पेपर बेचता है, दिल्ली के जनपथ रोड पर, जनपथ, और जनपथ जो रोड है वह वही है जहां पर झांकियां निकलती हैं राष्ट्रपति भवन के पास। यहां पर जो लोग आते हैं वह क्या होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, और क्या होते हैं, सूट बूट पहनकर आते हैं। और इसी सड़क पर क्या हो रहा है, एक लड़का पेपर बेच रहा है। एक दिन क्या होता है, इसी रास्ते पर एक व्यक्ति है ना, वह जो है कि नौकरी करता है, वो बहुत एक आदमी है ना, आप कहिए एक आदमी है जो कि वेल एजुकेटेड है, वो बहुत क्या है, पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है। डेली उसी रोड से होकर
डेली उसी रास्ते से वह क्या करता है, ऑफिस जाता है। और कहां पर ऑफिस जाता है, वह मान लो किसी सरकारी, क्योंकि जनपद वाला जो रोड है वह संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और जो आपके मिनिस्ट्री है मंत्रालय उधर जाता है। और यह ऑफिस जाता है, पढ़ा लिखा आदमी है। एक दिन क्या करता है, यह जो आदमी है एक रेड लाइट पर रुकता है, और इस रेड लाइट पर रुकता है तो इसकी नजर बच्चे पर जाती है। किस बच्चे पर जाती, ध्यान देना, किस बच्चे पर जाती है जिसकी उम्र है 7 से 8 साल, जो हिंदी इंग्लिश का पेपर बेचता है और कहां पर बेचता है, 10 जनपद रोड, अर्थात उसी सड़क से जा रहा। अब बच्चे पर इसकी नजर पड़ती है, यह बच्चा क्या कर रहा है, यह जो बच्चा है यह सुर्खियां जो होती है ना, जो मेन खबरें होती हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में, उनको क्या कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश में बोलता है, हिंदी और इंग्लिश में बोलता है। अब एक दिन क्या हुआ कि एक इस आदमी ने क्या किया, पेपर वाले इस बच्चे को देखा और इसको लगा कि मुझे बच्चे से क्या करना चाहिए, इस बच्चे से पेपर खरीदना चाहिए। ये क्या करता है, समझना, पेपर खरीदने के लिए उससे हिंदी में बोलता है कि वह बच्चा क्या करे, हिंदी में पेपर दे। अब ये पेपर, जैसे ही पेपर बच्चा देता है, बच्चा जो है, ये जो बच्चा है ये क्या हो जाता है, सॉक्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सॉक्ड हो जाता है। क्यों सॉक्ड हो जाता है, उसको ये था कि भाई ये जो सूट पूट पहने लोग हैं ये तो क्या बोलते हैं, ये तो इंग्लिश बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, ये हमसे अलग है। ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा, पूरी स्टोरी को समझ लो क्या स्टोरी है, फिर मैं बताऊंगा इसमें छुपा कितना कुछ है। तो ये सॉक्ड हो जाता है, इसको, इसका कहना है इस सूट बूट पहने वाले लोग हिंदी थोड़ी बोलते हैं, हिंदी तो हम जैसे लोग बोलते हैं जो सड़कों पर रहते हैं। सूट बूट पहने हुए लोग तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पेपर हिंदी का मांगता है, ये लड़का क्या होता है, इनसे प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, हिंदी का पेपर मांगते ही वह क्या होता है, सॉक्ड भी होता है, प्रभावित भी होता है। अब यह जो बच्चा है यह आदमी से पूछता है, आदमी से पूछता है कि क्या आप हिंदी बोलते हो, क्या आप भी हिंदी बोलते हो। अब यह आदमी जो है वो जवाब देता है कि हाँ, यस, मैं बोलता हूं। और उसने कहा कि मैंने अन्य विषयों के साथ साथ, अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी भी पढ़ा है, अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी भी पढ़ा है, यह आदमी बोलता है। अब यही आदमी यह कहता है, बच्चे से पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। अच्छा, ये ध्यान देना, ये आदमी कहता है अन्य विषय, विषय को ये बोलता है सब्जेक्ट। यहां पर वो कहता है कि मैंने अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भी पढ़ा है। तो इस शब्द कौन सा प्रोनाउंस कर रहा है, ये आदमी क्या करता है, सब्जेक्ट। स्टोरी को सुनो, स्टोरी को समझो। एक रास्ता है, उस रास्ते पर डेली एक आदमी जाता है जो सूट बूट पहने हुए है, और यहां पर इसी एक रेड लाइट है उसी सड़क पर, उसी रास्ते पर, और वहीं पर एक बच्चा है जो कि क्या है, डेली पेपर बेचता है। एक आदमी डेली देख रहा है कि एक बच्चा है जो पेपर बेचता है, हिंदी इंग्लिश में उसकी सुर्खियों को बोलता है। तो एक जब एक दिन वह आदमी क्या हुआ, यहां पर रुका, तो उसने कहा पेपर वाले से कि भैया मुझे हिंदी में पेपर दे दो। वो लड़का शॉक्ड हो गया, कह रहे भैया ये सूट बूट वाले व्यक्ति हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो हम जैसे लोग बोलते हैं, ये लोग तो इंग्लिश बोलते होंगे। तो उसने आदमी से, बच्चे ने पूछा कि क्या आपको हिंदी आती, तो आदमी क्या कह रहा है, हाँ, मैंने अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ जो है कि क्या है, हिंदी भी पढ़ा है। अब बच्चा पूछता है, ध्यान देना, अब स्टोरी आगे बढ़ रही है, बच्चा पूछता है इस सब्जेक्ट क्या होता है। अब वो आदमी उसका कुछ जवाब देता, तब तक रेड लाइट क्या हो चुकी है, ग्रीन हो चुकी है, वो आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिन फिर वो आदमी आता है और वह बच्चा उसको हिंदी का पेपर देता है, कहता है ये लो हिंदी का पेपर जो आपने कल मांगा था। आदमी फिर बच्चा कहता है अच्छा ये सब्जेक्ट क्या होता है। अब चूंकि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको पता नहीं सब्जेक्ट, तो आदमी सोचता है इसको कैसे बताऊं। तो उसको ये कहता है कि अच्छा तुम स्कूल नहीं गए, तो बच्चा कहता है नहीं। अब बच्चा ये कहता है कि जब मैं इतना सा था, वो कहता है जब मैं इतना छोटा सा था तब से मैं पेपर बेच रहा हूं, पहले मैं और माँ, ध्यान देना, पहले मैं और माँ साथ में पेपर बेचते थे, अब मेरी माँ मेरठ में रहती है। अब इतना ही बता पाया था, तब तक क्या होता है, रेल लाइट
जो है कि ग्रीन हो जाता, बच्चा बढ़ जाता। अब यहां से होता है क्लाइमेक्स आता। तीसरे दिन जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो देखता है वो बच्चा बड़ा गुमसुम है, बड़ा गुमसुम है। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। अच्छा अभी एक चीज हो, एक लाइन और रह गई। तो अब क्या होता है, इस बच्चे और आदमी में हो जाती है दोस्ती। बच्चे से आदमी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बच्चा बताता है अपना नाम समीर, ये बताता है समीर। और ये बच्चा पूछता है आपका क्या नाम है, ये आदमी बताता है मेरा भी नाम समीर है। कोइंसिडेंस देखो, यह जो समीर है, यह जो समीर है, नाम एक है लेकिन अलग अलग है। तो अगले दिन जब ये पहुंचता है तो एक समीर दूसरे समीर को ढूंढ रहा है, एक समीर दूसरे समीर को ढूंढ रहा है। तो देखता है कि वो बच्चा आज बड़ा खुश नहीं है, तो पूछता है हेलो समीर क्या हुआ आज तुम खुश नहीं हो। समीर, ये वाला समीर जो लड़का है, वह पेपर देते हुए बोलता है कि मेरठ में दंगा हो गया है। और वो फिर बोलता है अगली लाइन, सोचो एनसीईआरटी किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। वो बच्चा कहता है मेरठ में दंगा हो गया है और मैं समीर मुसलमान हूं, मैं समीर क्या हूं, मुसलमान हूं। अब तुरंत पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है, दंगा हुआ है, ये समीर मुसलमान है, इसकी मां मेरठ में है और अपने भाइयों बहनों के साथ रहती है, और इसी वजह से यह बच्चा आज चिंतित है कि इसके मां पर हमला ना हो गया हो, इसके परिवार पर हमला ना हो गया हो, क्योंकि ये मुस्लिम है और वहां पर अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यह जो समीर है अब शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड इस वजह से होता है क्योंकि वो समझ जाता है जब दंगा होता है तो किस तरह से दंगा सांप्रदायिक रूप लेता है, और तुरंत इसके सामने पूरी तस्वीर नाच जाती है। वो सोचता है कि पता नहीं इस बच्चे के परिवार वालों के साथ क्या हुआ। और कोइंसिडेंस ये है कि अगले दिन से ये समीर कहीं दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। अर्थात समीर दो है, ये समीर हिंदू है। ध्यान देना, अब देखो कैसे डाइवर्सिटी को, यह एनसीईआरटी डाइवर्सिटी कैसे बता रहा। यह समीर हिंदू है, यह क्या है, यह बहुत ही एजुकेटेड है, यह बहुत एजुकेटेड है। यह क्या है, इसके पास गवर्नमेंट जॉब है, इसके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। इसके पास क्या है, यह हर तरह से संपन्न है। यह जो बच्चा है, यह जो समीर है, यह क्या है, अनएजुकेटेड है, यह गरीब है, यह स्कूल नहीं गया, यह बचपन से क्या कर रहा है, ये बचपन से पेपर बेच रहा है, इसको बेसिक चीजों की भी जानकारी नहीं है, इसको सब्जेक्ट तक नहीं पता से सब्जेक्ट क्या होते हैं, और ये मुस्लिम है, ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी का है। अब ये जो समीर है ये चिंतित हो जाता है और समझ जाता है कि जब दंगे होते हैं तो माइनॉरिटी किस तरह से चिंता से ग्रसित हो सकती है। माइनॉरिटी कोई कहीं पर हो सकता है, एक एरिया में हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकता है, मुस्लिम भी माइनॉरिटी हो सकता है। तो जब कहीं पर कोई माइनॉरिटी होता है और उसमें भी वह पढ़ा लिखा ना हो, उसके पास संसाधन ना हो और उसके परिवार को कोई सहारा देने वाला ना हो, तो दंगा किस तरह से हमारे समाज को तोड़ता। ये जो दंगा होता है जो कि सांप्रदायिक रूप लेता है, ध्यान देना ये भी क्या है, इस भिन्नता के कारण ही है। अर्थात जो अभी हमने भिन्नता देखा था और भिन्नता को देखकर हम लोग खुश हुए थे, उसी भिन्नता का एक रूप कई बार सांप्रदायिक हो जाता है। एनसीईआरटी यही बताने का प्रयास कर रहा है। आप समझ पाए एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, यह स्टोरी सुनाकर क्या कहना चाहता है कि हमारा जो समाज है इसमें भले ही हमारा और आपका नाम एक हो, भले ही हम एक ही क्षेत्र में रहते हो, जैसे ये समीर और समीर वन और समीर टू एक ही क्षेत्र में आवागमन करते हैं, भले ही हम एक सड़क का उपयोग करते हैं, भले ही एक तरह की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक तरह की न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन सभी में कुछ बेसिक अंतर है। कोई संसाधन संपन्न है, कोई संसाधन विहीन है,
किसी के पास पैसा है, किसी कोई एजुकेटेड है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास, किसी की फैमिली किसी के साथ रहती है, कोई ऐसा भी बच्चा है जो इनकम करता है और उसकी मां दूर रहती है। अब देखो अब यहां पर जो मैंने स्टोरी बताई उस स्टोरी के बाद एनसीईआरटी देखो क्या सोचने पर मजबूर करती है। देखो पढ़ो सब लोग, यह है एनसीईआरटी की खूबसूरती। अभी साहब देखो, जहां समीर एक को अंग्रेजी अच्छी आती है वहीं समीर दो हिंदी बोलता है, क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हैं फिर भी एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने बात करने के लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, भाषा महत्वपूर्ण नहीं थी। समझ रहे हो? तो इसमें क्या एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है कि भाषा की जो लिमिटेशन है, समझना एनसीईआरटी के अप्रोच को समझो, भाषा की जो लिमिटेशन है वो बहुत छोटी हो जाती है जब दो लोग जुड़ना चाहते हो। दो लोगों का धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन अगर भाव दोस्ती का है तो समाज बन जाएगा। अर्थात हमें समाज को बनाने के लिए भाषा एक जैसी नहीं करनी है बल्कि दिल एक जैसा करना है, एनसीईआरटी ये बताता है। अरे बच्चे इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अभी सब जो नोट्स मिलेगा सब हिंदी इंग्लिश, समझ पाए क्या इस चीज को? समझ पाए? अब देखो आगे बढ़ो एनसीईआरटी के माध्यम से, ठीक एनसीईआरटी के माध्यम से अब देखो, समीर एक और दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोस्ती करना वह चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषी आदि की ये भिन्नताएं क्या है? विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और दो में कई अन्य तरह से वह दूसरे से एक दूसरे से अलग थे। अलग थे, देखो क्या अलग थे। उदाहरण के लिए समीर ने स्कूल में पढ़ाई की जबकि दूसरा समीर अखबार बेचता है। दोनों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आगे लिखा है कि यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। आप समझो एनसीईआरटी ने अपने पत्ते खोल दिए, एनसीईआरटी ने पत्ते खोल दिए। वह कह रहा है कि जो हम देख रहे हैं असमानता, यह विविधता नहीं है। यह क्या लिखा है? यह विविधता का रूप नहीं है, गैर बराबरी है। अर्थात यह दोनों में जो भिन्नता है इसको वह एनसीईआरटी कहता है कि भाई इसको विविधता से ज्यादा अच्छा कहना होगा, गैर बराबरी। अर्थात सभी इक्वल नहीं है, इक्वालिटी इसमें नहीं है, अनइक्वालिटी की कंडीशन को यह दिखाता है। अर्थात हमारे समाज में न सिर्फ, ध्यान देना, हमारे समाज में न सिर्फ विविधता है अर्थात डाइवर्सिटी है, न सिर्फ विविधता अर्थात डाइवर्सिटी है बल्कि अनइक्वालिटी भी है, और यही हमारा समाज है। आगे कहता है कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास, ध्यान देना, अनइक्वलिटी को एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करता है, अनइक्वलिटी इसको यहां पर लिख लूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। अनइक्वलिटी को कैसे डिफाइन करता है वो कहता है कि कुछ लोगों के पास जब अवसर ना हो, अवसर किस चीज का? एजुकेशन का। अवसर ना हो किसी के पास किस चीज का? हेल्थ का, किसी के पास घर का, किसी के पास रिसोर्सेस का, और अगर नहीं है तो यह अनइक्वलिटी है। और ध्यान देना एनसीईआरटी डिफाइन करता है कि अगर हमारे समाज में कुछ लोग क्या हैं, बहुत धनी हैं, कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ लोग बहुत पुअर हैं, तो यह विविधता नहीं है, यह अनइक्वलिटी है।
अर्थात एनसीईआरटी इस पैराग्राफ के माध्यम से विविधता और क्या है अनइक्वलिटी में, डाइवर्सिटी और अनइक्वलिटी में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या हम डिफरेंस क्रिएट कर पाए, क्या हम लोग डिफरेंस कर पाए? सर बुक की पीडीएफ दे दो। अरे भैया स्टार्टिंग में बताया था एनसीईआरटी वेबसाइट पर जाओ, बुक डाउनलोड कर लो। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि भाई हम भेज सकें किसको किसको। अच्छा चलो ऐसा करेंगे, सुनो सुनो, टेलीग्राम पर हम कोशिश करेंगे पीडीएफ डाल दें, है ना। अगर हमें डाउनलोड मिल करने को मिल जाएगा तो हम डाल देंगे, ठीक है। क्या हम जो समझा पा रहे हैं समझ पाए कि नहीं? अब देखो यहां पर आओ, तो हमने इस चीज को समझा। आगे एनसीईआरटी कहता है, अगला जो पैराग्राफ है जो मैंने बताया पहले, मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा दूं जो हमने पहले आपको बताया एनसीईआरटी में, पहले देखो क्या वही लिखा है। गैर बराबरी की बात लिखी है, देखो गैर बराबरी की बात लिखी है कि नहीं, जिसको गोला किया गया है। देखिए गोला किया गया है पीले कलर में और फिर गोला किया गया है, गैर बराबरी। इसी तरह से आपको भी पढ़ना होगा, दे देंगे बच्चे पीडीएफ हम ना टेलीग्राम पर डाल देंगे, निश्चिंत रहो। ठीक, अब देखो उसके अगली लाइन देखिए, जाति व्यवस्था। अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, जिसको हमारी टीम ने क्या किया है, गोल किया है, वह है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था जो हमारे समाज में है उसको एनसीईआरटी ये कहता है कि यह विविधता नहीं है, यह जाति व्यवस्था क्या करती है, असमानता को उत्पन्न करती है, अनइक्वल, यह क्या करती है अनइक्वलिटी को बढ़ाती है। यह क्या है असमानता है, समझ पाए? क्या हम समझ पाए? तो अगर हम कहें कि हमारा समाज जातियों में बटा है, तो दरअसल हमने इस जाति व्यवस्था को अगर बना कर रखा है, इसका मतलब है हम असमानता को बढ़ावा दें। और इसको एनसीईआरटी असमानता क्यों कहता है, क्योंकि समाज में हमें देखने को मिलता है कि कुछ जाति के लोगों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, कुछ को कम वरीयता दी जाती है, कुछ को समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि आज भी कुछ समाजों में इसको गैर तरीके जो है कि गैर बराबरी के नजरिए से देखा जाता है। इसका मतलब एनसीईआरटी जो यहां पर समझा पाया वो ये कि जो हमारा समाज है वह क्या है, विविध है, और विविधता के साथ साथ हमारे समाज में क्या है, असमानता है। एक सेकेंड, विविधता के साथ साथ हमारे समाज, अरे क्या हो रहा है, विविधता के साथ साथ हमारे समाज में क्या है, असमानता है। इसका मतलब जो हमारा समाज है, हमारा जो समाज है वह न सिर्फ डाइवर्सिफाई है, उसमें न सिर्फ डाइवर्सिटी है बस कि उसमें अनइक्वलिटी भी है, असमानता भी है, अनइक्वलिटी भी है। ठीक है, क्या हम यहां तक समझ पाए? अब देखो यहां तक जो एनसीईआरटी ने बताया, यहां तक जो एनसीईआरटी ने बताया उसके आगे की जर्नी हम तब करेंगे जब अब इस विविधता डाइवर्सिटी को हम समझा दें। तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी को हमारे टीम के इनपुट्स के माध्यम से समझिए, हम यही करेंगे। एनसीईआरटी पहले बताएंगे, उसके क्रक्स को बताएंगे और फिर हम अपना इनपुट्स देंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। क्लियर, क्लियर? अरे आदर्श सरोज जी ठीक है, बात पहुंच गई तुम्हारी, ए आदर्श सरोज जी पहुंच गई बात आपकी, बहुत पहुंच गई। अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, क्या कमेंट पर लगे हुए, है ना, पढ़ाई कर लो। अब आओ, विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है ना, व्हाट इज डाइवर्सिटी, तो इसको डिफाइन किया गया कि लोगों के बीच, ध्यान देना, धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कार,
भूगोल शारीरिक आधार पर होने वाले भिन्नता को हम विविधता कहते हैं। यहां पर ध्यान दो, क्या यहां पर जाति को डिफाइन रखा गया है? क्या जाति को रखा गया? क्या गरीबी और अमीरी को रखा गया है? नहीं। हम अभी एनसीईआरटी ने आपको क्या बताया कि जाति के आधार पर अगर विभाजन हमारे समाज में है वह असमानता है। अगर गरीबी और अमीरी है तो अनइक्वलिटी है, यह विविधता नहीं है। विविधता क्या है कि ठीक है हम सब लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, मैं कोई भाषा बोलता हूं, जैसे मैं भोजपुरी भी बोल लेता हूं, मैं पश्चिमी यूपी की भी भाषा बोल लेता हूं, हरियाणा की भी भाषा बोल लेता हूं, थोड़ी बहुत और कुछ छोटी बहुत भाषाओं को बोल लेता हूं, बोलियों को बोल लेता हूं। तो मैं कुछ भाषा बोलता हूं, आप कुछ बोलते हैं, मैं कुछ खाने में पसंद अलग पसंद करता हूं, मैं घास फूस वाला इंसान हूं, शाकाहारी चीज़ों में जीवन व्यतीत करता हूं, आपका चॉइस कुछ और हो सकता है। मुझे जो है कि बहुत सस्ते कपड़े पहनने पसंद हैं, मैं तो टी शर्ट में ही अपना जीवन काट दूं, मेरा मन है। आपका मन होगा कि आप बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहने जिनका मैंने नाम नहीं सुना। सभ्यता के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो बने रहें। संस्कार के मामले में मैं जानता हूं कि हमें माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचा कर रखना चाहिए। भौगोलिक तौर पर मैं अलग क्लाइमेट से हो सकता हूं, हमारे यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, आपके यहां की अलग हो सकती हैं। शारीरिक आधार पर मेरा कद काठी अलग है, आपका अलग है, पूर्वोत्तर भारत के लोगों का अलग होगा, दक्षिण भारत के लोगों का अलग है। तो हम सब में क्या है, एक दूसरे से भिन्नता है। इसी भिन्नता को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। यही चीज यहां पर लिखा हुआ, द डाइवर्सिटी अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, लैंग्वेज, फूड, लाइफ स्टाइल, सिविलाइजेशन, कल्चर, ज्योग्राफिकल, फिजिकल बेसिस कॉल्ड डाइवर्सिटी। क्लियर? चलो अगला देखो। उपरोक्त भिन्नता के द्वारा ही सभी तत्वों में भिन्नता परिलक्षित होती है, ठीक है, जो किसी भी समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायक होती है। अर्थात कोई समाज कैसे है हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक समाज हम अपने देश का ले लें, एक समाज जो है जर्मनी का ले लें, एक समाज मान लो हम जो है कि फ्रांस का ले लें, एक समाज हम यूएसए का ले लें। अब इन चारों समाजों में क्या अलग है, हम कैसे देखेंगे कि भाई इनका 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 फूड स्टाइल क्या है, है ना, फैशन स्टाइल क्या है, कल्चरल जो है कि थॉट क्या है, इनके बीच में कौन सी ऐसी चीजें कॉमन है, कौन सी कॉमन नहीं है। तो जो हर समाज के क्या होगा, अपने बेसिक फीचर्स होते हैं और हर समाज अपने उन चीजों को सहेज कर रखना चाहता है, बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि समाज है तो समाज में सभी चीजों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो भारत अपनी पूरी शासन व्यवस्था को, चूंकि पॉलिटी का सेगमेंट है तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे समाज को चलाता है। तो समाज कौन सा है हमारा, विविधता मूलक, डाइवर्सिफाई। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कानून होगा, वह क्या करेगा, इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा। अर्थात वो कोशिश करेगा कि यह जो समाज है अपने मूल्यों को साथ आगे बढ़े। क्लियर? अगले देखो, अब हमने विविधता को समझ लिया तो भारत में जो विविधता है उसको समझिए। यह सब क्या है, यह एनसीईआरटी में नहीं है, यह एनसीईआरटी में नहीं, यह हमारा इनपुट्स है, समझिए, और हम हर दिन यही प्रयास करेंगे। भारत में विविधता को समझिए, भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की विविधताओं का देश है। अर्थात जब हम अपने देश की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, इसका क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्र पर रहने वाले लोग समझना, यह हमारा मान लो यह एक टोटल एरिया है, इस एरिया पर रहने वाले लोग कौन होंगे, भारतीय,
हम और सब क्या है? भारतीय। और ये जो भारतीय हैं, इनमें क्या है? कई तरह की भिन्नता है, कई तरह की भिन्नता। और यही भिन्नता क्या है, इसी को हम कहते हैं विविधता, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। तो कहा जा रहा है कि यहां पर कई तरह की विविधताएं हमें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है कि विविधता के कुछ प्रकार हो सकते हैं। जैसे हमारे अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्मों के लोग मिल जाएंगे, तो धर्मों के आधार पर हमारे अंदर विविधता है। हमारे जो त्यौहार हैं उसके आधार पर हमें विविधता देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी जो हमारा दक्षिण भारत का दक्षिणी बिंदु, वहाँ से लेकर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो यहाँ के लोगों में खान पान, रहन सहन, खेल, कृषि, सभी चीज़ों में क्या होगा? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो भारत विशिष्ट, भारत अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के अलग अलग खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, और इसके आधार पर कहा जाता है कि भारत क्या है? विविधताओं का देश है। अर्थात भारत जैसे देश में जब आपने सुना होगा कि कुछ कुछ दूरी पर क्या होती है? बोली बदल जाती है। बोली क्यों बदलती है? लोग बदल जाते हैं, वहाँ का सब चीज़ बदल जाता है। तो बोली बदलने का मतलब है कि वहाँ के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से क्या हो गए? अलग हो गए। ये क्या है? विविधता। इतनी विविधता अगर आप यूरोप, यूरोप जानते हो ना, यूरोप का मतलब क्या है? कई देश हैं उसमें, यूरोप का मतलब एक देश तो नहीं। अब यूरोप में जब जाओगे तो आप एक तरफ से यूरोप में घूमना चालू करो, घूम कर आ जाओ, तब भी इतनी विविधता आपको नहीं मिलेगी जितनी अपने देश में मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी जो है कि व्यवहार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। भारत की खासियत यह है कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं, भारत क्या करता है? उनको स्वीकार करता है, और उनको स्वीकार करके उनको क्या करता है? अपना बना लेता है। सबको हम लोग एडॉप्ट करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में किसी भी रूप में रहें, लेकिन जैसे कोई हमारा रिश्तेदार आता है, हम उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। यही बात देश के संदर्भ में होती है, यह एनसीईआरटी आपको बता रहा है। क्लियर? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझिए। अब प्रश्न आएगा कि आखिर यह जो एनसीईआरटी विविधता को समझाने का बार बार प्रयास कर रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? अगला हमारा प्रश्न होगा ना कि आखिर एनसीईआरटी विविधता पर जोर क्यों दे रहा है, इतना क्या समझाना चाहता है? तो विविधता को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? विभिन्न प्रकार की सभ्यता संस्कृति के बारे में सीखने से हमें उस दुनिया के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है जिसमें हम रहते हैं। अर्थात जब हम, यह क्या है? एक क्षेत्र है, यहां के लोगों के विषय में जितना जानेंगे उतना ही तो हमें मजा आएगा। अगर हमें यह ना पता हो कि हमारा पड़ोसी क्या करता है, किस धर्म से है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो किस तरह से जीवन जीता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने घरों में कैद रहेंगे, वो अपने घरों में कैद रहेगा। लेकिन हमें पता चलेगा, अरे भैया आज उसका त्यौहार है, वो मिठाई लेकर आ रहा है, हम उसको मिठाई दे रहे हैं, हम कुछ कपड़े पहनते हैं, वो कुछ कपड़े पहनता है, तो क्या होगा? हमारे समाज में विविधता है। इस विविधता को जब हम समझ लेते हैं तो क्या होता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाती है कि हमें अपने समाज में किस तरह का एक्ट करना, किस तरह का नहीं करना। समझ रहे हो? आप खुद समझो, एक आपको क्लास में क्लास का एक हिस्सा बनाया जाए, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप ऑब्जर्व करते हो, ये देखते हो कि भैया इसमें क्या हो रहा है, कौन किस तरह से बोलता है, फिर आप अपने हिसाब से किसी से दोस्ती करते हो, ये मेरे टाइप का है ना, तो मैं इससे दोस्ती करूंगा या करूंगी, ऐसा आप सोचते हो। अब सब लोग क्या है, जब एक दूसरे को जानते हैं तो सबको पता होता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इससे क्या होता है? समाज में संतुलन होता है। समाज क्या होता है? समाज में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। अब सोचो, आपको किसी ऐसे समाज में, आप अभी एक समाज में रहते हो, उठा के दूसरे समाज में पलट डाल दिया जाए जिसके विषय में कुछ आपको पता ही नहीं, और आप अपनी तरफ से बिहेव कर रहे हो अपने जैसा, वो लोग क्या होंगे? आपसे चिंतित हो जाएंगे। तो समाज में क्या होगा? अव्यवस्था होगा। तो जब हम अपने समाज की विविधताओं को समझते हैं
तो हमारा जो आचरण होता है वो समाज के अनुकूल होता है, वो समाज को क्या करता है, अच्छा फील करवाता है। जैसे एक बगीचे में एक फूल का होना वो फूल है, लेकिन एक बगीचे में अलग कई प्रकार के फूलों का होना उसको गार्डन बना देता है, तो दिल क्या हो जाता है, गार्डन हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम विविधता को समझते हैं तो हमें अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है कि किसी चीज को देखने का मेरा नजरिया अलग है, आपका अलग है, अलग है। तो हम किसी चीज को क्या करेंगे, अलग अलग नजरिए से देखेंगे, तो उसी में तो क्या है, मजा है। विविधता की समझ हमें विभिन्न समूहों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करती है। आप देखो यहां पर दो शब्द बहुत शानदार यूज किए हैं एनसीईआरटी ने, मतलब हमारी टीम ने, नकारात्मक रूढ़ी और पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखते हो, आप कहते हो अरे भाई ये तो बड़े खराब लोग होते हैं, इनसे दूर रहो। और इसके पीछे का कारण क्या है, आपसे किसी ने बोल दिया था कि ऐसे दिखने वाले लोग इस तरह के होते हैं, तो आप पूर्वाग्रह को लेकर घूम रहे हो। लेकिन जब आप उससे बात करते हो तो कहते नहीं भाई, या उसके साथ रहते हो तो कहते ना भाई ये तो झूठ मूठ का हमने इसके विषय में क्या किया था, गलत धारणा बना लिया था। तो जब गलत धारणा आप किसी के विषय में बना लेते हो तो क्या है, इसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, ध्यान दो। और नकारात्मक रूढ़ियां का मतलब क्या है कि आपने न सिर्फ किसी के विषय में गलत विचार बनाया, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है आपके पास, आपने बस सुन लिया था, आपको किसी ने बता दिया एक्स वाई जेड इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, उसके पीछे कोई डेटा नहीं है, कोई आधार नहीं है, और आप उसी चीज को ढोए जा रहे हो, यह क्या है, पूर्वाग्रह है। और अगर आपका पूर्वाग्रह ऐसा है कि जीवन भर आप कोई कहे कि नहीं भाई इस धर्म के लोग कहें, नहीं भाई हम ऐसे नहीं हैं, आप हमारे साथ रहकर देखो, आप कहो कि नहीं मैं कुछ सुनूंगा ही नहीं, मैंने जो सोच लिया जो मेरे अंदर है वही निश्चित है, वही फाइनल है, अर्थात पूर्वाग्रह क्या हो चुके हैं, बहुत जब मजबूत हो जाते हैं तो उनको नकारात्मक रूढ़ियां बोलते हैं। नकारात्मक मतलब आप जकड़ चुके हो, अब आपके दिमाग में उस धर्म के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा, नकारात्मक रूढ़ियां। तो जब आप अपने समाज को जानेंगे तभी तो पता होगा क्या सही है क्या गलत। तो विविधता को इसलिए समझ लो ताकि जब उनके विषय में ज्यादा जानते रहोगे तो आपके दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं बनेगा, जो भी बनेगा तार्किक, जो भी धारणा बनेगी तार्किक आधार पर बनेगी। तो क्या आपके अंदर जितनी चीजें बनी वो तार्किक आधार पर नहीं, आपने बहुत सी चीजें सुन रखी है, एनसीईआरटी कहता है कि इस सुने हुई चीजों पर नहीं, आप जानो समझो तब क्या करो, किसी के विषय में कोई धारणा बनाओ। अर्थात एनसीईआरटी फिर से अपील करता है आपको कि भैया समाज को समझो, जब विविधता को समझोगे तो विविधता को जब समझ जाओगे और एक्सेप्ट करोगे कि उनका जीवन उनका मूल्य उनका जीवन जीने का तरीका अलग हमारा अलग और हम सब लोगों को मिलकर साथ में रहना है, तो आप पूर्वाग्रही नहीं होगे और आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। प्रत्येक संस्कृति राष्ट्रीयता एवं प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति दुनिया को अलग अलग तरीके से देखता है, जब ये अलग अलग विचार एक साथ साझा करते हैं तो हमें विविधता को समझने में मदद मिलती है। अर्थात जब सभी लोग सोचो कि क्या हो, हम किसी चीज पर विचार करें या हम कोई कंपनी बनाएं, उस कंपनी को कैसे यू हैंडल करना चाहिए, क्या क्या वहां पर काम होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति आए वही बात अपनी कहे और वो सही हो गलत हो उसका परिणाम उस जाने, एक वो तरीका। दूसरा, एक कंपनी बनाओ तो क्या करो, उस क्षेत्र में काम करने वाले 50-100 लोगों को बुलाओ और सबसे कहो कि भैया बताओ क्या कैसा रहेगा, और उसमें सब लोग अपनी बात रखें और उसमें किसी चीज पर सहमति बनाई जाए, जिसको लेकर ज्यादा लोग बात करें वो क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो इसी तरह से हमें विविधता क्या करती है, हमारी समझ को बढ़ाती है, हमको पूर्वाग्रही होने से बचाती है और समाज में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को आगे बढ़ाती है। विविधता की समझ हमें विभिन्न जातियों आर्थिक विश्वास और विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने तथा सभी लोगों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात जब हम विविधता को समझ जाते हैं तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, उनसे जुड़ाव स्थापित करते हैं, और यही जुड़ाव हमको क्या करता है, यूनिटी प्रदान करता है।
और यूनिटी ही क्या होता है, किसी देश के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। विविधता की समझ लोगों को बेहतर तरीके से जीवन जीने का तरीका बताती है। भाई आप विविधता को नहीं समझोगे तो आप क्या करोगे, हमेशा अपनी चीज चलाओगे। और विविधता को समझो, कहोगे हाँ ठीक है भाई, आपकी चीज सोच है, आपका अप्रोच है, आपका शरीर है, आपकी मान्यताएं, आप जैसा चाहो जीवन जियो। तो इससे क्या होता है, जीवन जीने का तरीका हमें विकसित होता है। व्यापक दृष्टिकोण, किसी एक चीज पर जो हम कई तरह के तर्क सुनते हैं, कई तरह के आर्गुमेंट सुनते हैं, तो हमारा दिमाग क्या होता है, विकसित होता है। समाज में फिट रहने, फिट रहने का मतलब है कि जब समाज के अनुकूल रहोगे, जो लोग क्या होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, और जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ प्रगतिशीलता भी अपना लेते हैं वो कूल बने रहते हैं। उनको पता चलता है कि समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से हमें सोच में बदलाव लाना होगा। विविधता की समझ किसी व्यक्ति की सामाजिक इकाई की समग्र रूप से एक समुदाय की विशेष, यहां पर आसान समझ कि जब आप विविधता को समझेंगे तो आप एक व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, आप एक समाज का हिस्सा बन जाए। कुल मिलाकर जो विविधता है, जब आप उसकी समग्र रूप से अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस पर अपनी अप्रोच विकसित कर लेते हैं, तो आपको अपने देश की विविधता के विषय में जानकारी मिल पाती है, और यही विविधता एक देश की स्थायित्व को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी अखंडता को, उस देश के मजबूती को सुनिश्चित करती है। तो क्या यहां तक एनसीईआरटी ने जो बताया हम लोग समझ पाए, क्या यहां तक जो एनसीईआरटी ने बताया समझ पाए? कैसा रहा से सर बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं, सही से बताना। तुम लोगों तो पता नहीं लाइक किया कि नहीं, मैंने तो आज लाइक और शेयर के लिए भी नहीं बोला, किए हो कि नहीं बच्चों, सही से बताना। इस पर तो यार 2-3 हज़ार लाइक कर देने चाहिए थे आप लोगों को, अब तक तो 2-3 हज़ार लाइक कर देना चाहिए था। सेशन को शेयर करोगे कि नहीं बताओ, ये वो देख रहे हो, एनर्जी देख रहे हो, क्लास में समझाने का तरीका देख रहे हो, और किस शानदार तरीके से एक एक शब्द को हम समझ रहे हैं देख रहे हो। अगर इतना पर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे, इतने पर भी सपोर्ट नहीं करोगे, तो बताओ क्या मोटिवेशन रहेगा। एकदम गला सूख गया, ऐसा लग रहा है जैसे गले के जो नसें वो चिपक जाएंगे, लेकिन एनर्जी में कहीं कमी है कहीं कमी? है ना? चलो तो अभी देखो, जो 5 बजे वाली क्लास है, बिल्कुल गला एकदम खराब हो गया है, तो 5 बजे वाली क्लास थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लेट हो सकती है, टेलीग्राम पर बता दूंगा क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो मिलते हैं अभी 5 बजे, ठीक है? सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना बच्चों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमारी टीम को आपके सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर एक क्लास डेली इसी टाइम पर चलेगी, मिलते हैं नेक्स्ट।